ये देखें स्टैंडिंग देखें, साइज देखें डबल ए कबूतरों के। ये देखें हर किस्म के आँख मिलेगी आपको, लाइट आँख भी मिलेगी, और आपको वाइट आँख में डब वाले चाहिए वो भी मिलेंगे, डार्क चाहिए वो भी मिलेंगे, हर किस्म की आँख मिलेंगी। सुता जी आप अपने डब वाले के बारे में बताएं, आपको कितने देर से ये डब वाले आप की ब्रीड तैयार कर रहे हैं आप? देखो ये तो तकरीबन फिर झूठ बोल के फायदा नहीं है, सच्ची बोलना चाहिए, ये सारे न्यू लेटेस्ट। हाँ बोल देते हैं, बट ये डब वाले कांटे वाले कमगरों में और डब वालों में इनको क्रॉस दिया गया। अच्छा जी। हाँ बहुत ही प्यारे कांटे वाले कमगर भी आप इनको कह सकते हैं, बहुत ही डब वाले भी कह सकते हैं। देखो ये डब बना हुआ जी, ये देखें ये देखिए जी, काले बिल्कुल काले शॉप में, बिल्कुल काली शॉप में ओरिजिनल। जी दोस्तों क्या हाल चाल है सब भाइयों का? खैरियत है तो अच्छा ही रहना चाहिए। तो सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। तो ये फर्स्ट टाइम है जो कि मैं आपको नाइट विज़न में आपको शो करवाने जा रहा हूँ उस्ताद शिव कोहली जी के छत से। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस, जो मैं सब पहली बार मैं ये रात के अंधेरे में आपको वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आज का ये थर्ड पार्ट है, तो आज के पार्ट में हम आपको डब वाले कबूतरों का शो करवाएंगे, तो काफ़ी मज़ा आएगा आज की वीडियो में भी। दोस्तों हमारे साथ एंड तक बने रहना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़रूर लाइक करें यार दोस्तों को, वीडियो को लाइक करें, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और आपका बनता है लाइक करना, और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ठीक है दोस्तों? तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट भी करते हैं, तो एंड तक हमारे साथ बने रहना। ये देखिए रात का अंधेरे का नज़ारा और लाइटिंग देखें, हर सेटअप में लाइट, ये देखें तो लाइट से तो ऐसा लग रहा है कि अभी दिन चढ़ा हुआ है। ये आप देख सकते हैं नीचे कितनी रोशनी है, तो आराम से कबूतर अंदर जा भी सकते हैं, बाहर आ भी सकते हैं। अभी हाल ही में भी कबूतर अभी अंदर ही किए हैं, तो सभी कबूतर बाहर ही थे, तो मैं आपको नज़ारा बताता अगर सभी कबूतर उस टाइम में वीडियो बनाता तो। काफ़ी अच्छा लॉफ्ट और देखिए लाइटिंग का नज़ारा देखें। तो चलिए बिना देरी किए आपको डब वाले कबूतरों का भी शो करवाते हैं। जी दोस्तों देख सकते हैं ये डब वाले कबूतर कमांगर कबूतर, देखो कांटे वाले कमांगर कितने अच्छे कलर हैं इनके, डब वाले और कमांगर के। ये देखें सभी आपको ज़्यादा टाइम में ही दिखेंगे, पीछे वी भी बनी है देखें, ये सभी डब वाले कबूतर हैं। ये देखें बिल्कुल डब वाले गुलाबी नोक में, ये देखें नोकें देखें इनकी कितनी प्यारी है, गुलाबी नोक ये देखें। और ये कुछ डार्क आंख में कुछ लाइट आंख में है, जो ब्रीडर कबूतर है उनकी इतनी डार्क आंख नहीं होती ना, दोस्तों को पता ही है। ये देखें सभी मीडियम आंख के कबूतर है, बहुत ही खूबसूरत। तो साइज देखें सबसे पहले आप साइज देखिए, ये देखिए काफी अच्छे कबूतर, कलर भी बहुत बढ़िया। जिस किसी भाई को डब वाले चाहिए होंगे आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देखें, मैंने नंबर दिया हुआ है उस्ताद कोहली जी का, आप रब्ता भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल जैन रेट में मिल जाएंगे आपको। और ये देखें कांटे वाले कमांगर कबूतर, ये देखें डब वाली अभी कुछ पट्टी पट्टे तैयार भी हुए हैं, ये देखें कुछ गहरे कबूतर हैं, कुछ गहरे हो रहे हैं, देख सकते हैं आप कितनी तादाद में कबूतर है। अभी और भी कबूतर हैं पर ये सिटिंग का प्रॉब्लम है ना, उसके कारण यहाँ पे कुछ कबूतर ही छोड़े गए हैं, तो आपको एक एक करके शॉक भी करवाएंगे, आप एंड तक बने रहना। ये देखें स्टैंडिंग देखें, साइज देखें डब वाले कबूतरों के, ये देखें हर किस्म के आँख मिलेगी आपको, लाइट आँख भी मिलेगी, और आपको वाइट आँख में डब वाले चाहिए वो भी मिलेंगे, डार्क चाहिए वो भी मिलेंगे, हर किस्म की आँख मिलेगी आपको।
जो देखिए, जो देखे, कुछ नीचे बैठे हैं डबल है, कसूरी डबल है, ये देखें मैं आपको मैं दिखा दूँ, ये देखें तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट भी करते हैं और आपको एक एक करके शौक भी करवाते हैं डबलों का। तो चलिए उस्ताद जी से पूछते हैं। नमस्कार उस्ताद जी। नमस्कार जी। नमस्कार उस्ताद जी। नमस्कार व्यूअर्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार जी। उस्ताद जी आप अपने डबाले के बारे में बताएं, आपको कितने देर से ये डबाले आप की ब्रीड तैयार कर रहे हैं आप? देखो ये तो तकरीबन फिर झूठ बोल के फायदा नहीं है, सच्ची बोलना चाहिए। ये सारे न्यू लेटेस्ट इकट्ठे किए हुए कबूतरा, इसमें दो जोड़े मेरे पुराने हैं, बाकी सारे न्यू हैं। एक काना कबूतरा जो मेरा पुराना कबूतरा है उसका शौक करवाता हूँ, बिल्कुल ब्रेड रेड आइज के वो बच्चे निकालता है, तो आपको उसका शौक करवाता हूँ एक सेकंड। बेसिकली क्या जी दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, उस्ताद शिमकोली जी के छत में पिछले सीज़न में बीमारी आई थी जिसके कारण सभी कबूतर, इनके काफ़ी कबूतर ज़ाया हो गए थे। मेरा पुराना कबूतर है जी। तो हाल ही में अभी ये सारे नए कबूतर अभी आँख अभी रात को नहीं आपको दिखेगी इतनी रेड, क्योंकि लाइट वाइट है ये, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मल दिखेगी आपको आँख। फिर भी खैर देखता हूँ मैं कुछ ना कुछ कबूतरों की आपको आँखें दिखाने की कोशिश करता हूँ, पर नाइट में तो दिखती नहीं है रेड आइज, लेकिन कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। चलिए ये देखिए दोस्तों डबाले, ये देखें ये लाल आँख तेज है, वैसे ये लाइट की वजह से ना इसकी थोड़ी सी लाइट आँख आ रही है, बाकी आपको पता है लाइट में क्या होता है कि अंधेरे में कबूतर जो अपना आँख का नूर होता है वो डायल जो बड़ा कर देता है। बाकी कुछ नहीं, आपको कलर दिखाता हूँ इसका पूरा, ये डबल, ये देखिए पीछे वी बनी हुई है, देखिए गहरा रंग है, कलर भी देख सकते हैं, ये देखें कलर भी देखें पूरा डबल, पीछे वी बनी हुई है, कुछ और भी दिखाते हैं, ये देखें ये गहरे डबल है, ये देखें आप इसके पर देखें, पर की चढ़ाव देखें, और ये देखें पर देखें, बिल्कुल इतनी चढ़ाई है और पतली तीलियाँ, बिल्कुल फ्लैक्सीबल जिसको हम कहेंगे, ये देखें तो चलिए आपको कमंगर कबूतर का भी शो करवा देते हैं। ये देखिए कमंगर कबूतर, ये देखिए इसकी आइज, आपको इसकी आइज देखिए कितनी अच्छी आ रही है, ये देखिए इसकी चमक देखिए सबसे पहले इसकी आँख में, ये देखें ये कितनी प्यारी आँख, गुलाबी नोक में है, इसका कलर भी देखें आप, इसका कलर उस्ताद जी इसके परों का शो करवाना, ये देखिए दोस्तों इसके पर देखे कितने लंबे हैं, ये देखें पर, ये मादा और ये मादी है, और ये देखें इसके शेप देखें, और मोरें लगी हुई हैं, मोरें खाई हैं, ये सभी कबूतर सिलेक्टेड कबूतर ये लाए हैं, ये बाजी वाले कबूतर भी कह सकते हैं और ब्रीडिंग में डालने वाले कबूतर भी कह सकते हैं। ये कलर इसलिए लगाया गया है ताकि हमारे कबूतर पहचान में नहीं आते कहाँ कहाँ से लाया कहाँ कहाँ से नहीं, उसके कारण इसको कलर लगाया गया मादा। और आप स्टैंडिंग देखें, ये देखें ये उस्ताद जी इसको क्या कहेंगे, प्रिंस कमंगर भी कहेंगे इसको? हाँ बोल देते हैं, बट ये डब वाले कांटे वाले कमगरों में और डबलों में इनको क्रॉस दिया गया। अच्छा जी। हाँ बहुत ही प्यारे कांटे वाले कमगर भी आप इनको कह सकते हैं, बहुत ही डब वाले भी कह सकते हैं। देखो ये डब बना हुआ जी, ये देखें ये देखिए जी काले, बिल्कुल काले शॉप में, बिल्कुल काली शॉप में ओरिजिनल, कुछ तो इनको लाल परी भी कह देते हैं, ठीक है जी। और ये इसका पर देख लें, पर कैंच है, ये देखें पर, ठीक है जी। और ये कबूतर है, ठीक है जी, अभी और भी दिखा दें क्या, ये देखें कलर देखें, जो कहीं गहरे ढूंढते हैं कलर, कहीं फीके ढूंढते हैं, ये देखें ये देखें कांटो वाला कमगर, ये
ये देखिए इसकी आईज, आंख में चमक देखें भाई जी, कितनी चमक है इसकी आंख में। और ये रिजल्टेड वाले कबूतर है, सब ब्रीडिंग वाले हैं ये। ये देखिए पर देखिए आप, ये देखिए पर, ये देखिए बहुत ही अच्छे पर, और बगल भी बहुत बड़ी है। ये देखिए कलर भी बहुत अच्छा है, ये देखिए कलर, ये देखिए स्टैंडिंग देखिए, ये सबसे पहले इसकी स्टैंडिंग देखिए, कितनी स्टैंडिंग कितनी अच्छी है इसकी। आपको भी एक और कबूतर दिखाता हूँ मैं इसमें, ये देखें कबूतर, ये भी कांटे वाला कबूतर। शाह जी आपने बहुत ही अच्छे कलेक्शन की हुई है, बहुत ही अच्छे आपने कलेक्ट किए हैं ये कबूतर। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, बहुत बहुत खुश हो गया आपका, खुश दिल खुश हो गया कबूतर देख के। इसमें मादाएँ भी हैं कांटे वाले कबूतर और नर भी हैं जी। अभी आपको एक दो नर का मैं शौक करवाऊंगा कांटे वालों का, ये देखिए पर, ये देखिए लास्ट के दो नौवा दस पर, नौवा दसवां पर जाड़ा हुआ इसने, ठीक है। ये मैं छोड़ के आपको दिखाता हूँ, ये देखिए देखिए कांटे वाले, ये बाजी वाले कबूतर हैं दोस्तों। बाजियों में जब बाजियाँ लगती हैं तो स्टैंप खा जाते हैं कबूतर, ये वहाँ से कलेक्शन करके लाते हैं। कई बार क्या होता है कि बाजियाँ, कई बार बाजियाँ खेलते हैं तो खेलने वाले सभी कबूतर सील कर देते हैं कई भाई, तो शिव कोहली जी वहाँ से कबूतर ले आते हैं अपने लिए ब्रीडिंग में डालने के लिए, क्योंकि तो जो मोरे वाले कबूतर होते हैं वो ऑलरेडी सिलेक्टेड कबूतर ही होते हैं जिसने मोरे खानी है, उनको ये ब्रीडिंग में डालते हैं, तो ये सेल भी कर देते हैं कबूतर को। ये देखिए, ये देखिए स्टैंडिंग, आप लोग स्टैंडिंग भी देख सकते हैं उनकी, और ये देख सकते हैं ये गहरा डब वाला कबूतर। था जी ये एक इतना गहरा क्यों है ये, कई बार ओरिजिनल कलर, अच्छा ओरिजिनल कलर यही जी, है हाँ जी, ये मिसों में बने हुए हैं ये देखिए, ओरिजिनल कबूतर बिल्कुल गहरा। ये देखें जी और काफ़ी अच्छा कलर है, ये देखें कलर देखें बिल्कुल ब्लैक में, स्टैंडिंग देखें आप और थोड़ी स्पेस। ये देखिए दोस्तों ये डब वाले कबूतर, ये देखें एक बार फिर आप कलर देख सकते हैं डब वालों के, ये देखिए कितने प्यारे कलर हैं, और स्टैंडिंग भी देख सकते हैं इसमें कमंगर डब वाले कबूतर और कांटे वाले कमंगर सभी कबूतर हैं इसमें, देखिए अभी तो ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए इतने कबूतर आपको दिखा रहे हैं, इससे भी बहुत सारे कबूतर हैं जो अभी सेटअप में पड़े हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारे कबूतर, आप दोस्त कमेंट करके ज़रूर बताएं आप दोस्तों को कैसे लग रही है ये वीडियो भी, और कैसा लग रहा आपको शौक, हम आपको ऐसे शौक दिखाते रहेंगे। तो अब अंधेरे का टाइम हो चुका था, फिर भी हम आपको आरसपुरा से मैं जम्मू आया हूँ आप दोस्तों को शौक करवाने के लिए शिव कोहली जी के कबूतरों के। देखिए उस्ताद शिव कोहली जी के ये सभी कबूतर देखिए कितने अच्छे कबूतर हैं, जी दोस्तों कैसे लगी आप दोस्तों को डब वाले कबूतरों के शौक, ये देख सकते हैं आप उस्ताद कोहली जी ने कितनी मेहनत से ये कलेक्शन किए हैं कबूतर। हाल ही में पिछले सीजन में इनके पास बीमारी आई थी, उसमें कबूतर मर गए थे, उन्होंने फिर न्यू कलेक्शन की है ये कबूतरों की, और काफ़ी अच्छी कलेक्शन की है, पर भी बहुत बैलेंस में कबूतर है। और आप दोस्तों को मैंने बताया ही है इनके पर वगैरह पर, और इनके जो दुम वगैरह दिखाने का मकसद यही रहता है कि इनके कुछ जो पॉइंट्स होते हैं वो पता चल जाता है। और इस टाइम हमने अंधेरे के टाइम भी हमने बनाए हैं,
और आई होप अच्छी ही बनी होगी। आंख का क्या होता है कि आंख में नूर जो होता है वो बड़ा हो जाता है लाइट में। बाकी आप दोस्तों को कलर जो दिखाए हैं, उनके पर दिखाए हैं, कैसे लगे आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही हम आपको अच्छे अच्छे कबूतरों के शौक करवाते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहना एंड तक। तो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, और लाइक जरूर करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों को, ठीक है। बाकी मैं उस्ताद शिव कोहली जी का मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं इनके साथ, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए, जल्दी ही मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।